देश भर में पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि आई है। जुलाई के आखिर में पर्सनल लोन उछलकर 55 लाख करोड़ के पार चला गया है। साल दर साल के आधार पर आंकड़ों को देखें तो पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस साल जुलाई में पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या करीबन 14% बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के आखिर तक क्रेडिट कार्ड का बकाया सबसे तेजी से बढ़ा है। हालांकि बैंकों के कुलधारी में इसका हिस्सा 1% ही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बकाया सालाना भर में 22% की तेजी के साथ बढ़कर 2.8 लाख करोड़ को पार कर गया है। पर्सनल लोन में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट गोल्ड लोन का है। गोल्ड लोन में 39% उछाल आया है। समझेंगे कि पर्सनल लोन में इस तेजी के क्या कारण है, लेकिन पहले हम जानते हैं कि पर्सनल लोन आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं। दरअसल पर्सनल लोन एक ऐसा कर्ज है जिसमें उधार लेने के लिए कर्ज लेने वाले आदमी को अपनी किसी भी चीज को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। पर्सनल लोन व्यक्ति की इनकम के हिसाब से दिया जाता है। आमतौर पर पर्सनल लोन देने वाला बैंक कर्ज लेने वाले आदमी की इनकम, उनकी कैश फ्लो, क्रेडिट स्कोर और रिपेमेंट क्षमता को देखता है। उसके बाद तय करता है कि उसे पर्सनल लोन देना है या नहीं, अगर देना है तो कितने रकम का और किस ब्याज पर। अब सवाल यह है कि लोग पर्सनल लोन को इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं, तो इसके कई कारण हैं। पहली वजह है कि बैंक पर्सनल लोन देते समय ज्यादा पेपर वर्क नहीं कराते हैं, यानी लोन फटाफट मिल जाता है। होम लोन की तरह पर्सनल लोन में भी इस बात की बाध्यता नहीं रहती है कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है। मतलब ये कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से उस पैसों को कहीं भी खर्च कर सकते हैं। बच्चों की फीस जमा करनी हो, या परिवार में किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, या फिर शादी के लिए, या फिर आपको घर में किसी का इलाज कराना हो, या फिर सैर सपाटे के लिए ही आप पैसे का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक आपसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। पर्सनल लोन का आप अपने हिसाब से समय चुन सकती हैं। RBI की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। RBI के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या में तेजी आई है जिनके पास क्रेडिट कार्ड का बकाया है, यानी उन्होंने कार्ड पर लोन लिया, उससे पैसे खर्च के लिए, लेकिन बिल नहीं भरा। देश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में तेजी से बढ़ोतरी के पीछे भी कई कारण हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बैंक अलग अलग ई कॉमर्स कंपनियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। नए ग्राहकों को लुभाने के लिए बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कई तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में उपभोक्ताओं के खर्च करने के तरीके में भी बदलाव आया है, जिससे क्रेडिट कार्ड का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। अब लोग होटल, फ्लाइट टिकट, जरूरी बिल्स का भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कितनी तेजी से बढ़ा है, इसका पता देश में क्रेडिट कार्ड यूजर्स की बढ़ती संख्या को देखकर लगाया जा सकता है।